एकेडमी, द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट इन नागपुर फॉर जेईई नीट। भाजपा सरकार के विरोध में कांग्रेस के ओबीसी, एससीसी, एसटी वही अल्पसंख्यक विभाग की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में बोलते हुए आदिवासी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिवाजी राव मोघे ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार पैसे के बल पर बहुमत की सरकार गिराई जा रही है। छोटे दलों को खत्म करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और उस दिशा में आंदोलन चल रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी भी विपक्षी दलों के नेताओं पर नजर रख रही है। यह देश में तानाशाही या राष्ट्रपति प्रणाली लाने की योजना है। हा प्रेस कॉन्फरन्स का उद्देश्य असा है कि राहुल जी गांधी यांना विनाकारण डिसमेंबर केलं, कोर्टाचा एक आधार घेतला, पण हा बीजेपीचा प्लॅन आहे, त्यांना डिसमेंबर केलेला आहे, त्या आणि डिसमेंबर करून त्यांचा घर सुद्धा काढून टाकण्याचा नोटीस करण्याचा दुष्टपणा केला आहे। त्याच्या विरुद्ध जागोजागी ऑल इंडिया लेवलला सगळे कार्यक्रम होत आहे। आम्ही एससी, एसटी, ओबीसी अँड मायनॉरिटी हे सुद्धा अतिशय दुर्लक्षित वर्ग आहे। आमचं सुद्धा यांना म्हणणं आहे की हे बीजेपी दुष्टपणाचं काम करत आहे, मोदी साहेब ते पंतप्रधान सारखं काम न करता लोकशाही खतम करण्याचं काम करत आहे। या दृष्टिकोनातून आम्ही आज संविधान चौकामध्ये धरणे कार्यक्रम केला, 10 ते 3 वाजेपर्यंत आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतला। काँग्रेसच्या विरुद्ध आपल्या बीजेपीच्या विरुद्ध जेवढे पक्ष आहेत, मी तुम्हाला सांगायचं 2-3 पक्षाचे आमचे पटत नाही, परंतु यावेळेला सारे पक्ष विरोधातले पक्ष एकत्र येऊन बीजेपीला केंद्र शासनात ठेवणार नाही, बीजेपीच्या केंद्रामध्ये राज्य राहणार नाही। या दृष्टिकोनातून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्लॅनिंग झालेलं आहे आणि एखादा पक्ष कमी जास्त असेलही, परंतु कोट्यावधी लोकांच्या मनामध्ये आहे की केंद्रामध्ये बीजेपी नको। कहने का मतलब है ये इतना दुष्ट है, आपको मालूम है कांग्रेस के शिवाय तो कोई चलता नहीं, कांग्रेस के बगैर कोई आघाड़ी बनती नहीं, कांग्रेस मजबूत आघाड़ी से वो आघाड़ी तो बन सकती है, लेकिन मोदी को हटाने के लिए अगर कोई पार्टी आगे आ सकती है, मध्यवान पार्टी है, हर गांव में, हर देश के हर गांव में कोई पार्टी होगी तो कांग्रेस है, वही उसको हटा सकती है। कल चल के ऐसा कॉम्बिनेशन में ऐसा हुआ तो हम ऐसा कोई पंतप्रधान के लिए हम इच्छुक बहुत इच्छुक नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई हालत में बीजेपी देश से हटाना चाहिए। फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिटेल्स कॉन्टैक्ट